भारत की राजनीति में एक ऐसा शख्स भी है जिसने भैंस की पीठ से लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर तय किया। वो यही नहीं रुका बल्कि भारत के रेल मंत्री की पोजीशन पर भी बैठा। अपने रेल मंत्री रहते हुए उसने रेलवे को घाटे से निकालकर मुनाफा कराया। अपने मजाकिया अंदाज और ठेठ भाषा से आम लोगों से सीधा जुड़ने के लिए उनको जाना जाता है। जेपी के आंदोलन में आगे आकर जेल गए और फिर जो सफर उन्होंने तय किया कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन एक कलंक उनके माथे पर लगा जो अभी तक नहीं उतर सका। हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति में सबसे दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव की, जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया। आज हम आपको लालू प्रसाद यादव के जीवन और उनसे जुड़े कुछ रोचक किस्से बताएंगे। यूं तो लालू प्रसाद यादव ALB राजनीतिक शास्त्र से पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन उनके मजाकिया अंदाज और ठेठ भाषा से ऐसा लगता है कि वो बेहद ही कम पढ़े लिखे हैं। अपनी बात करने के अंदाज से वो सामने वाले को ठहाका लगाने के लिए मजबूर कर देते हैं, फिर चाहे उनके सामने विपक्षी नेता ही क्यों ना हो, वो भी हंस पड़ता है। लालू यादव को करीब से जानने वालों का कहना है कि वो अपने आप को आम लोगों से जोड़कर रखना चाहते हैं, इसीलिए वो हमेशा एक अलग ही अंदाज में रहते हैं। बात करें बिहार की राजनीति की तो वो लालू यादव के बिना संभव नहीं है। लालू प्रसाद यादव का जन्म गोपालगंज के फुलवरिया गांव में एक गरीब यादव परिवार में हुआ था। उनके पिता कुंदन राय दूध बेचने का काम करते थे। बचपन में लालू गांव के बच्चों के साथ गाय और भैंस चराने और अपनी माँ के साथ घर घर जाकर दूध बांटते थे। 1968 में उन्होंने अपने बड़े भाई के पास पटना में पढ़ाई के लिए जाना शुरू किया और यहीं से उनका पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ। पटना में पढ़ाई के दौरान उन्होंने छात्र राजनीति में कदम रखा और 1973 में पटना यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स यूनियन में पहली बार अध्यक्ष बने। इससे लालू काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे। इसके बाद लालू साल 1974 में जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के अधिकारों के लिए हो रहे आंदोलन में कूद पड़े और पिछड़ों के लिए मसीहा के रूप में उभर कर सामने आए। हालांकि उन्हें जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन उसके बाद साल 1977 में लोकसभा चुनाव में छपरा से जनता पार्टी के कैंडिडेट बनाए गए और उन्होंने जीत भी दर्ज की। लालू उस समय 29 साल की उम्र में संसद पहुंचने वाले सबसे युवा सदस्यों में से एक बन गए। इसके बाद लालू सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते ही चले गए। लालू ने 1980 में बिहार विधानसभा में एंट्री मारी और साल 1985 में दोबारा विधायक बने। साल 1990 में आखिरकार वो समय आ ही गया जब लालू ने बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू ने रहने के लिए अपने भाई के चपरासी वाले क्वार्टर को चुना। लालू चपरासी क्वार्टर से राज्य चलाने वाले राजनेता बन गए। हालांकि राजनीति का ही खेल कहिए कि कभी चपरासी क्वार्टर से राज्य चलाने वाला ये राजनेता आज बेनामी संपत्ति व घोटाले के कई आरोपों से घिरा है। मुख्यमंत्री के बाद लालू प्रसाद यादव को 2004 से 2009 तक केंद्र की UPA सरकार में रेल मंत्री का कार्यभार सौंपा गया। रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने अपने रेल मंत्री रहते हुए घाटे में चल रही रेलवे को 20,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कराया था और उनके समय में रेलवे ने कभी किराया नहीं बढ़ाया था। लालू ने पहली बार गरीब रथ नाम से AC ट्रेन चलाई जो कि आमतौर पर राजधानी रूट पर चली। लालू का मानना था कि AC बोगी में गरीब परिवार के लोगों को भी कम पैसे में सफर करने का सपना पूरा होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अपने कार्यकाल में ट्रेनों में कुल्हड़ चाय, छाछ और लस्सी को सेल करने का भी विशेष तौर पर प्रबंध किया, जिससे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और गांव के गरीब किसानों को सीधा लाभ होने लगा। और फिर लालू प्रसाद यादव के जीवन में साल 1997 में चारा घोटाला कलंक बनकर जिसने उनके पॉलिटिकल करियर को पूरी तरह से तबाह कर दिया।
इसी साल में सीबीआई ने लालू के खिलाफ चारा घोटाले मामले में चार्जशीट फाइल की और उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सत्ता सौंप कर लालू राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष बन गए और सत्ता की कमान अपने हाथ में रखी। चारा घोटाला मामले में लालू यादव को जेल भी जाना पड़ा और वो कई महीनों तक जेल में रहे भी। लगभग 17 साल तक चले इस ऐतिहासिक मुकदमे में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज प्रवास कुमार सिंह ने लालू प्रसाद यादव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 अक्टूबर 2013 को 5 साल की कैद और 25 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। दोस्तों, लालू भले ही चारा घोटाले में सजा काट रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने सीएम रहते हुए बिहार की गरीब जनता के लिए कई काम किए, इसीलिए उन्हें गुदड़ी का लाल और गरीबों का मसीहा कहा जाता है। ये थे लालू प्रसाद यादव के जीवन के कुछ प्रमुख और दिलचस्प पहलू। उनकी जीवन यात्रा और राजनीतिक अनुभव ने उन्हें भारतीय राजनीति में एक अनूठा स्थान दिलाया। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।